नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी का तैयारी टीए को लेकर के, केंद्र सुपरवाइजर को लेकर के चल रहा है, और जैसा कि संस्था के माध्यम से हमने आप लोग को ये कमिटमेंट किया है कि हम आपको बहुत सारे एग्रीकल्चर से संबंधित या ये टीए केंद्र सुपरवाइजर से संबंधित जो छोटे छोटे विषय होंगे और जहां से सवाल प्रश्न पूछे जाने अति आवश्यक है, ऐसे सभी बिंदुओं पर हम आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे, और आप हमको फॉलो करते रहिएगा, आपको उसमें हेल्दी कंटेंट मिलेगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं, क्योंकि इस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम भी काफी समय से, वर्ष 2010 से तो हम आपको पढ़ाने का ही कार्य कर रहे हैं, तो इसका एक लंबा अनुभव लेके मैं स्वयं चलता हूं, तो हम भी देख पाते हैं यदि जीएस से कोई चीज पूछतेगा तो कहां से बात करेगा। तो उनमें से कुछ ऐसे बिंदु हैं जो अक्सर वहां से प्रश्न आपको मिलेंगे, तो उन बिंदुओं पर से संबंधित हम छोटे छोटे अपने माध्यम छोटे छोटे जो है बिंदुओं को लेकर के आपके पास हम बहुत सारे बिंदु देते रहेंगे, और इन जितने भी चीज हम यहाँ पे पढ़ाएंगे उन सभी के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ को लेकर के उसको भी देखते रहिएगा, और ये वीडियो में तो हम आपको सारी बात बताते रहेंगे, और आप हमें फॉलो करते रहिएगा। हमारी संस्था के द्वारा टीए का ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच प्रारंभ किया जा चुका है, हमारा एफओ 2023 का बैच प्रारंभ किया जा चुका है, हमारा एमएससी का बैच चल रहा है। तो आप हमको किसी भी बैच से जुड़ना होगा तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पे संपर्क करिएगा, संस्था आपको पूरा मदद करेगी। चलिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके बीच में, और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने तीन एग्जाम दिया, चाहे स्टेट पीसीएस हो, इफको, क्रिफको, एफसीआई, एनएफएल हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, यदि आपने दिया तो वहां से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो यहां देखिए हेडिंग हमने दिया है, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। अब इसको हम क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ भारत का नहीं वरन पूरी दुनिया का एक ऐसा विषय बन चुका है, यदि पूरी दुनिया इस बिंदु पर एक सही दिशा में निर्णय लेने में कोई चूक करेगा तो प्रकृति उसके साथ बहुत ही उसका प्रतिकूल प्रभाव दिखाएगा। तो इसलिए पूरा विश्व जगत इससे अलर्ट है और एक से एक कदम प्रकृति के रक्षा के लिए उठा रहे हैं, और उन्हीं से संबंधित ये सारे विषय यहां पर रखे गए हैं। कहने का तात्पर्य है यह दुनिया का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए परीक्षा कराने वाली संस्थाएं उन ज्वलंत मुद्दों को कभी भूलती नहीं है, इसलिए यहां पर ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा और यहां से आपको बहुत मदद मिलेगा। तो आइए हम एक एक के बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा सबसे पहले विश्व नम भूमि दिवस, या जिसको आप कहते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। तो इसी को मार्सी लैंड भी कहा जाता है, इसी को द विश्व दलदल भूमि दिवस कहा जाता है, इसी को विश्व भूमि भीगी भूमि दिवस कहा जाता है। तो इस समय यह बहुत पूछा जा रहा, क्योंकि ये कब है, 2 फरवरी को है, ठीक है। और आपको भी पता है विश्व भूमि दिवस या विश्व नम दिवस से ही संबंध किसका है, रामसर साइट से है, किसका है, रामसर साइट से है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, रामसर साइट का संबंध है तो किससे है, विश्व नम दिवस से है, किससे है, विश्व नम दिवस से है। दूसरा लिखा है विश्व गौरैया दिवस, तो विश्व गौरैया दिवस किसमें है, 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस या वन दिवस एग्रीकल्चर का है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे या फॉरेस्टी डे, ठीक है, कब है, 21 मार्च को है। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब है, 22 मार्च को है। अब यहां पर आपको क्या रखना है, देखिए 20 मार्च को क्या, विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को क्या, विश्व वन दिवस, और 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस। तो 20, 21, 22 आपको तीन ऐसे रखना है, गौरैया दिवस, वन दिवस और जल दिवस। आप इस तरह से करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये कब है, 7 अप्रैल को है, ठीक है, कब है, 7 अप्रैल को है। जल संसाधन दिवस, वाटर रिसोर्स डे, कब है, 10 अप्रैल को। तो अप्रैल में पर्यावरण से संबंधित आपको कितने दिवस मिले, 2 दिवस मिले, मार्च में कितने मिले, 3 दिवस मिले, तो आप तो ये सभी को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है विश्व पृथ्वी दिवस, तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब है, 22 अप्रैल को है, कब है, 22 अप्रैल को है। आगे लिखा है विश्व जैव विविधता दिवस, तो विश्व जैव विविधता दिवस कब है, 22 मई। तो यहां आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस,
और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। तो इस तरह से फोनेटिक करके थोड़ा सा आप जोड़ते रहेंगे तो ये चीजें आपको याद रहेगी। ठीक है, आगे देखा है विश्व कछुआ संरक्षण दिवस। ठीक है, तो विश्व कछुआ संरक्षण दिवस कब है? 23 मई को है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ? ये आपका 1972 से शुरू हुआ। ठीक है, कब से शुरू हुआ है पर्यावरण दिवस मनाना? 1972 से शुरू हुआ है और आज तक हम लोग मना रहे हैं। उसके बाद विश्व भूगर्भ जल दिवस कब है? 10 जून को है। कब है? 10 जून को है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को है, आप जानते हैं सभी लोग। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कब है? 16 सितंबर को है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस है और 16 अक्टूबर को क्या है? खाद्य दिवस है। तो ये भी दोनों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये करिएगा। आगे लिखा राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को है और राष्ट्रीय शौचालय दिवस, तो क्या इसका पर्यावरण से संबंध? बहुत बड़ा संबंध है। ठीक है, राष्ट्रीय शौचालय दिवस 19 नवंबर। ठीक है, अब इस तरह के सवाल आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि इस पर भारत ने बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया। ठीक है, सफल हुआ कि असफल हुआ वो अलग चीज है, लेकिन इस पर भारत ने एक बहुत सशक्त कदम उठाया। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब है? 1 दिसंबर है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ हमने आपको देखे, आगे लिखा अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब है? 11 दिसंबर। ये वाले सवाल अब पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन पर्यावरण से इनका सीधा संबंध है। आगे हमने देखे लिखा है कि यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने समय समय पर कुछ वर्षों को किसी रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को क्या घोषित किया था? विश्व जैव विविधता दिवस। और 2002 को क्या घोषित किया था? विश्व पर्वत दिवस। 2006 को क्या घोषित किया गया था? विश्व मरुस्थल दिवस। 2003 को क्या घोषित किया गया था? विश्व सतत विकास वर्ष। ठीक है, और 2011 को क्या? विश्व वन वर्ष या वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर। तो इस तरह से करके ये एनवायरमेंट से है, तो अगर इसे आप याद रखेंगे तो यह आपके लिए वरदान साबित होगा। इस तरह के हम आपको इतने सारे कंटेंट देंगे, बस आपको करना क्या है, एक बार इस वीडियो को जरूर पढ़िएगा और इस वीडियो को अपने कान में लगा के सुन लीजिएगा। बस पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगा, हमारी संस्था के द्वारा टीए आबलिक केन सुपरवाइजर का बैच प्रारंभ हो चुका है। उसमें हम ऑनलाइन आबलिक ऑफलाइन दोनों मोड में आपके साथ कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले चुका है, तो जल्दी आप भी आइए, आपका स्वागत है। हमारा एफओ, जो हमारा एफओ का बैच है, एफओ 2023, वो भी हमारा प्रारंभ हो चुका है प्री मेंस इंटरव्यू का, उसमें भी आप हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में जुड़ सकते हैं। हमारा एमएससी एजी क्रैश बैच होली के बाद प्रारंभ हो जाएगा, तो आप उससे जिनको भी जुड़ना होगा आप उसमें जुड़ने के लिए होली के में तैयार रहिएगा, उसके बाद हमारा क्रैश कोर्स प्रारंभ हो जाएगा। तो ये आज के लिए ये सूचना थी, तब तक के लिए आप जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।